हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गूगल क्रोम से हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं, और साथ ही दोस्तों वीडियो के आखिरी में ये भी जानेंगे गूगल सर्च से हिस्ट्री को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारा फ़ोन हमारा फ्रेंड या फिर परिवार का कोई सदस्य ले लेता है, और वो बड़े आसानी के साथ देख सकता है कि हमने गूगल में क्या क्या सर्च किया है या और हम किसी वेबसाइट पर गए हैं। दोस्तों, अगर आप इस सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ सकता है, या फिर दोस्तों इस तरह का ना है तो इस तरह का आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का। आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना है। आपको फोन पे थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई देगा, हमें हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे हम हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये सब साइडें दिखाई दे रही हैं, गूगल सर्च दिखाई दे रहा है। जिस पर भी हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट इस साइट पर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबसे ऊपर दिखाई देगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा। तो दोस्तों हमें क्लियर ब्राउजिंग डाटा दिखाई देगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों क्लियर ब्राउजिंग डाटा से ही हमारी हिस्ट्री डिलीट होएगी। तो फिलहाल हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, बेसिक और एडवांस। दोस्तों बेसिक में ब्राउजिंग, कुकीज़ और कैश इमेज, ये सब डिटेल हैं, इसको हम जैसे छोड़ देंगे। हमें एडवांस पर आना है। एडवांस पर आने के बाद दोस्तों हमें ये दिखाई देगा टाइम रेंज। यहाँ से दोस्तों हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें 1 घंटे की हिस्ट्री डिलीट करनी है, 24 घंटे की करनी है, या 7 डेज की करनी है, या लास्ट 15 डेज की। हम ऑल टाइम का सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें कंप्लीट हिस्ट्री डिलीट करनी है। इसके बाद ब्राउजिंग हिस्ट्री पर टिक रहने देंगे, कुकीज डाटा पर भी क्लिक टिक रहने देंगे, और कैश इमेज फाइल्स डाटा पर भी टिक रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों आता है सेव पासवर्ड। सेव पासवर्ड टिक कर दीजिए, एंड टिक कर दीजिए। यहाँ पे आज दोस्तों हमारा पासवर्ड सेव होता है जब भी क्रोम में हम साइट लॉग इन करते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑटो फिल डाटा वो होता है जिसमें हम कोई यूज़र नेम या रोल नंबर या कुछ भी डिटेल फिल करते हैं, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो इसको भी आप टिक करना चाहें टिक कर सकते हैं। उसके बाद आती है साइट सेटिंग, इसको भी हम टिक करना चाहें टिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस हिसाब से है कि आप किस किस को टिक करना चाहते हैं, ऑटो फिल डाटा को और साइट सेटिंग को। मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों सभी को टिक कर दीजिए, इससे आपकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी रहेगी और आपका पासवर्ड भी सिक्योर रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ क्लियर डाटा के बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ क्लियर पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस क्लियर पर क्लिक करेंगे तो हमारी हिस्ट्री डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी कंप्लीट हिस्ट्री डिलीट हो गई है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, अपने थ्री डॉट पर क्लिक करके हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कोई हिस्ट्री नहीं बची है। इस तरह हम अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप कभी और कुछ सर्च करना चाहते हैं और आप चाहें आपकी हिस्ट्री ना बने, तो आप को इंडिगो मोड का यूज़ कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और न्यू को इंडिगो टैब पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग में भी मेरी ये हिस्ट्री नहीं आ रही थी। बड़ी आसानी के साथ आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप गूगल सर्च से भी अपनी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है और सर्च पर क्लिक करना है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बड़ी आसानी के साथ जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।